हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर आपका इस चैनल में स्वागत करते हैं। आप इस वीडियो में आज आप देखिएगा कि यूनिवर्सिटी किस प्रकार से ओल्ड सिलेबस का रूटीन निकाल दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। आप लोग जब सेमेस्टर टू में थे तक बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि एग्ज़ाम कब हो और किस प्रकार भी होगा या नहीं होगा, क्या होगा। लेकिन जब एग्ज़ाम प्रोग्राम निकाला गया यूनिवर्सिटी के द्वारा तो आप लोग देख रहे होंगे कि ओल्ड सिलेबस का रूटीन जारी कर दिया गया। हम लोग यूनिवर्सिटी से इस प्रकार की गलती का आशा नहीं रखते हैं। एग्ज़ाम जब प्रोग्राम जब रात में आया कल या दिन में आया होगा, सबसे पहला बात कि इसका तो कोई साइट पर तुरंत जारी नहीं किया जाता, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर जारी कर दिया जाता है रूटीन। तो जब रूटीन आया तो हम लोग को जब व्हाट्सएप या फेसबुक में देखे तो देख रहे कि सब्जेक्ट हम लोग का पुराना है। स्टूडेंट लोग का भी कॉलिंग आने लगा कि सर इसमें सब्जेक्ट मेरा मिल नहीं रहा है, सिर्फ बीओ मिल रहा है, एबीएस मिल रहा है। तो हम लोग भी ध्यान से जब उसको देखे तो देखे कि रिजल्ट जो एग्ज़ाम प्रोग्राम निकला है वो ओल्ड सिलेबस का है। हम लोग भी सोचे कि सब कुछ हम लोग जब नया पढ़ाए हैं, फाइनेंशियल अकाउंट टू पढ़ाए हैं, बुक भी वही आया है, सब जगह गैस पेपर भी वही आया है, और खुद जब हम लोग भी सोचे कहीं गलत तो नहीं हो गया। तो जब साइट पर जाके देखे, खुद BBQM का साइट जो है उस पर जो सिलेबस डाउनलोड है, खुद सेशन देखिए, चलिए आप लोग को दिखा भी देते हैं, देखिए ध्यान से जिसका जो साइट है, देखिए ध्यान से आप लोग भी देखिए स्क्रीन पर 2020-23 है ना, सिलेबस फॉर BBMQ का है ये, देखिए विनोद बिहारी, और सेशन भी यहाँ देखिए लिखा हुआ 2020-23। इसमें आप देख रहे होंगे ध्यान से, देखिए सिलेबस क्या है, आप लोग खुद देखिए इसको, देखिए फाइनेंशियल अकाउंट टू है और बीओ है। लेकिन वहाँ पर जब आप प्रोग्राम में जाते हैं, जब आप इसका प्रोग्राम ध्यान से हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए एग्ज़ाम प्रोग्राम यहाँ भी देख लीजिए आप लोग का 2020-23 दिया हुआ सेशन यहाँ भी दिया है। कोर 3 में देखिए यहाँ मैनेजमेंट है, जबकि वहाँ क्या है बीओ है, ठीक है, यहाँ मैनेजमेंट है, वहाँ पर क्या है बीओ है। प्लस इसी तरह और सब में देख सकते हैं, देखिए तो मतलब बोलने का मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा भी ओल्ड सिलेबस के द्वारा, ओल्ड सिलेबस का जो पहले सेमेस्टर टू में ओल्ड सिलेबस था उसका प्रोग्राम इशू कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। ऐसा होना नहीं चाहिए, बाद में बोला जाता है सुधार दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए सुधार भी दिया जाएगा लेकिन दो दिन स्टूडेंट लोग पूरा कन्फ्यूजन में रहे कि जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़े नहीं हैं उसका न कुछ की बुक है पढ़े हैं, न किसी प्रकार का कोई साइड बुक पढ़े हैं, तो बताइए किस प्रकार से एग्ज़ाम देंगे। उन सबको, उन लोग का टेंशन का आप लोग का अंदाज़ा नहीं होगा किस प्रकार उन लोग का टेंशन होगा। इसीलिए आप लोग भी अब इंतज़ार कीजिए, देखिए सुधर के क्या रिजल्ट आता है।